बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। खनन माफियाओं के ऊपर चला हंटर। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण थाना क्षेत्र के निगोहा में अवैध खनन करने वालों पर चला हंटर। एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार, क्षेत्राधिकारी निगोहा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निगोहा जितेंद्र प्रताप सिंह को मिली बड़ी सफलता। खनन माफियाओं के ऊपर ग्रामीण पुलिस का चल रहा हंटर। एक तरफ रात्रि में अवैध खनन करने वालों पर एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी निगोहा जितेंद्र प्रताप सिंह को मिली बड़ी सफलता। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करने में पीछे नहीं हट रहे, वहीं ग्रामीण पुलिस भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में भी आगे दिखाई दे रही। एक तरफ एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार ने ग्रामीण का चार्ज संभाला, अपराधों पर अंकुश लगा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी। जी अवस्थी जी बताइए। वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात में कल जो ग्रामीण सर्किल हमारा है लखनऊ का, उसमें कोई अवैध खनन संचालित हो रहा था, उसको लेकर रात में क्षेत्र के दौरान भ्रमण पर थे हमारे निगोहा थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा के दौरान रामदासपुर में अवैध डंपर एक बुकलैंड द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था जी। जब वहां पर खनन चल रहा था, मौके पर कई आला अधिकारी भी पहुंचे। ऊपर SHO जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 3 डंपरों को सीज किया गया और 1 पुकलैन को सीज किया गया है जी। मतलब कई चीजें सीज भी की गई है। हाँ, पर सीज किए जा चुके हैं। जब से एसपी ग्रामीण हरीश कुमार ने चार संभाला ग्रामीण सर्किल का, तब से अपराधों पर अंकुश लग रहा है। एक तरफ सर्किल जो एसपी ग्रामीण है, उनका साफ कहना है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ही उनको यहाँ पर भेजा गया। जब से 1.5 साल हो रहे हैं जब चार संभाले हैं, अपराधों पर अंकुश लगा जा रहा। एक तरफ खनन माफियाओं के ऊपर हौसले बुलंद थे, वही रात्रि में अब ग्रामीण सर्किल में खनन माफियाओं के ऊपर चलेगा हंटर, एसपी ग्रामीण का कहना है।